पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी को लेकर पार्टी के अंदर तो उत्साह है ही, पार्टी बाहर भी मोदी के दीवाने बहुत हैं। हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने नरेंद्र मोदी के एक ऐसे ही समर्थक से बात की, आपको दिखाते हैं मोदी प्रेम का ये पूरा मामला। बीजेपी भले ही औपचारिक तौर पर नरेंद्र मोदी को पीएम का उम्मीदवार घोषित करने से अभी फिलहाल बच रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऐसे दीवाने भी हैं जिनको इसकी परवाह नहीं है कि इसकी औपचारिक घोषणा कब होती है। हमारे साथ ऐसे ही एक दीवाने हैं नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के समर्थक हैं, रॉकी मित्तल जी। पेशे से ये गायक हैं, हरियाणा में इनका म्यूजिक स्टूडियो है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी की ये सीडी उन्होंने बनवाई है। ऐसी हजारों सीडी, 25,000 सीडी ये लेकर यहाँ पर आए हैं, हजारों सीडी बांट चुके हैं और भी सीडी इनका बांटने का इरादा है, उनसे बात कराते हैं। पहले आप ये बताइए कि अभी आपकी पार्टी ने घोषणा नहीं की है, लेकिन आपने अपनी सीडी में नरेंद्र मोदी के साथ लाल किले पर पहले ही झंडा फहरा दिया है। देखो, ये मेरी अकेले की नहीं, पूरे जन जन की आवाज है, पूरे देश की आवाज है। आपका कभी भी कोई सर्वे आता है, सारे मोदी जी को अकेले जाने की बात करते हैं, और मैं मानता हूं कि देश भी मानता है कि बगैर मोदी जी के इस देश का कोई भला नहीं कर सकता। आप रहने वाले हैं हरियाणा के, नरेंद्र मोदी जी हैं गुजरात के, कैसे आपको उनके ऐसे इतने दीवानगी है? अभी तो मोदी जी ने गुजरात देखा है, जब पूरे इंडिया के अंदर बारी आएगी तो इंडिया के अंदर गुजरात से भी ज्यादा सीटें देके बेचेंगे मोदी जी को। आपकी सीडी में 8 गानों की आपने बताया कि रिकॉर्डिंग है, ये गाने आपने कैसे बनाए हैं, खुद बनाए हैं? मैंने इस पे एक साल से यही कार्य कर रहा हूं मैं, और पहला गाना बनाने के लिए तो मैंने 2 महीने लगे हैं, क्योंकि एक मोदी जी का सवाल था, पूरे देश का सवाल था कि मैंने मोदी जी के क्या लिख सकता हूं, और इसके अंदर मैंने ये दिखाया कि मोदी जी के आने के बाद क्या होगा। जो भारत पाक हमारे को हर रोज आंखें दिखाते हैं वो आंखें नहीं दिखा पाएंगे, जो भ्रष्टाचार है वो कोई नहीं कर पाएगा, मोदी जी ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। लेकिन आप क्या कभी मोदी से मिले हैं? आप मोदी जी के साथ फोटो खिंचाते हुए आपकी आपने फोटो डाली हुई है, क्या आप उनसे मुलाकात हुई? ने जब पहला गाना मेरा पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी सुना था तो मेरे को सूरज कुंड में बुलाया और आधा घंटा मोदी जी से मुलाकात हुई थी। मोदी जी बड़े खुश हुए थे कि भाई ऐसा आपने एडवांस में कैसे बोल दिया कि हम क्या करने वाले हैं। मैंने बोला हर देश के नागरिक की एक तमन्ना है, मेरी भी इच्छा है कि आप क्या कर सकते हैं, और मैंने लिखा है। आप ये बताइए कि आपने कहा कि आपका म्यूजिक स्टूडियो हरियाणा में चलाते हैं, तो ये सीडी बनाने के लिए बांटने के लिए पैसे कहाँ से आए? इसको आपने खुद लाया है? लेकिन मैंने अपनी जेब खर्ची को कम किया है और मोदी जी के लिए अपने देश के लिए लगाया है। मैं तो अपना भूखा भी रह सकता हूँ, लेकिन मोदी जी के जितने भी प्रचार है उसमें पूरी साल लगा रहूंगा जब तक मोदी जी पीएम नहीं बन जाते। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी की उस सीडी की, नरेंद्र मोदी का ये चाहने वाला एक कार्यकर्ता बीजेपी का, एक समर्थक नरेंद्र मोदी का, जिसने गाना तक बना दिया है, जिसने अपनी सीडी पर नरेंद्र मोदी को लाल किले से झंडा फहराते हुए दिखा दिया है। मोदी की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरियाणा से आए बीजेपी कार्यकर्ता मोदी के यशगान की सीडी बांटते नजर आए। गुजरात के विकास का गुणगान होता रहा, मोदी लाओ देश बचाओ। दिल्ली में देश भर के आए कार्यकर्ताओं ने ये जता दिया कि 2014 चुनाव में बीजेपी के लिए कोई रामबाण है तो वो है सिर्फ मोदी। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, तुम देश ने तुमको दिल से पुकारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नम्र बन हो इंडिया हमारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा। डूब रही है अर्थव्यवस्था, मोदी ही तो दे सकते सहारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा, पीएम बनेगा नरेंद्र मोदी, नंबर वन हो इंडिया हमारा। जय हो मोदी तेरी, जय हो मोदी तेरी, जय हो मोदी तेरी, मोदी की जय।
हो घोटाला, खुले किस्मत का ताला। कोई ना हो घोटाला, खुले किस्मत का ताला। नए नए प्लांट लगेंगे, गरीबों के चेहरे खिलेंगे। गुजरात को जब से छुआ, माला माल तब से हुआ। बातों को फूल बना दे, देश का भाग्य दिगा दे। सबको रोजगार दिला दे, नोटों की झड़ी लगा दे। सारी दुनिया में आज छाए हैं मोदी, नरेंद्र मोदी नाम है बिजनेस। देश की ये तो आंख का तारा।